बहुत उम्मीदें थी और ये मेरी लास्ट है, इसके बाद मैं गवर्नमेंट का अप्लाई नहीं कर सकता। साइज जितना उन्होंने मांगा है उतना ही साइज करके हम सबमिट करें तो ही एक्सेप्ट होगा ना सर फॉर्म? फोटो इनवैलिड का आया है मैसेज आया, फोटो इनवैलिड का मैसेज आया है। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। लगातार जितने भी छात्र हैं या बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठता रहा है। अभी रेलवे में वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की, ज़्यादातर बताया जा रहा 4 से 5 लाख फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। उनकी वजह बताई गई है सिग्नेचर या फोटो गलत चिपके हुए हैं, उसी को लेकर आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर बताइए पूरा मामला क्या है? सर ये हमारी 2019 में रेलवे ने RRC के द्वारा 1,03,000 के आसपास वैकेंसी निकली हुई थी, उसमें उन्होंने करेक्शन के द्वारा कुछ सिग्नेचर और कुछ फोटो के का बहाना करके और कुछ 4 या 5 लाख के करीब बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनका फॉर्म। और ये बच्चे यही मांग रहे हैं और हम सब यही मांग रहे हैं कि हमें बस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। हम इनसे नौकरी नहीं मांग रहे, हमें नौकरी दो, हम बस इनसे परीक्षा में बैठने के लिए मौका दे रहे हैं, हमारी बस यही छोटी सी मांग है। क्या सरकार ने जानबूझ के की है ये हरकत? ये वैकेंसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और ये बच्चों को कंपटीशन बाहर करने के लिए ये जानबूझ कर किया गया कदम है। ये या तो RRB से गलती हुई है या फिर कुछ बच्चों से भी गलती हुई है, लेकिन 2018 में ये भर्ती निकली हुई थी 65,000 के आसपास और उसमें भी फार्म रिजेक्ट हुए थे, लेकिन तो उस टाइम पे इलेक्शन था, इलेक्शन करके इन्होंने मॉडिफिकेशन एक्टिव कर दिया था। तो अब की बार RRB क्या कह रही है, ये इनका क्या रीजन बता रही है? अभी ये RRB रिजेक्ट बता रही है कि आपने फोटो गलत लगाए हैं, फोटो को बहाना लेके ये रिजेक्ट करें कहीं भी कोई भी। हमने वही फोटो पिछली बार ग्रुप डी में लगाया था, RRB ये RPF कॉन्स्टेबल का था और RRB SI का था, उसमें भी वही फोटो लगाया था और अब की बार भी यही फोटो लगाया है, बस अब की बार रिजेक्ट कर दिया। ये ऑनलाइन फॉर्म हुआ होगा ना? हाँ ये हमारा ऑनलाइन फॉर्म हुआ था, सेम फोटो अब की बार लगाया है और सेम फोटो पिछली बार भी लगाया था, लेकिन पिछली बार हमने पेपर दिया। अगर फॉर्म रिजेक्ट होता जब ऑनलाइन हम सबमिट करते तभी नहीं लेता, ऐसा होता ना कुछ? तभी एक्सेप्ट नहीं करते, तभी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने तो एक्सेप्ट किया था लेकिन अब बाद में रिजेक्ट कर दिया हमारा फोटो। ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, सरकार इस मामले में विफल है, क्या उस चीज़ को छुपाने के लिए कम वैकेंसी है और फॉर्म ज़्यादा भरे गए, इस चीज़ को देखते हुए कहीं ये रिजेक्शन तो नहीं किया है? ये उसी को देखते हुए किया गया है कि भाई कंपटीशन को किसी तरह कम किया जाए। हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल रही है और रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बच्चे उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमें नौकरी मिल सकती है और इस करके बच्चों ने यहाँ पे 1,25,00,000 के आसपास आवेदन किया था जिसमें से 5 या 4 लाख के करीब फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। क्या लग रहा है आपके प्रोटेस्ट से? प्रोटेस्ट तो पूरे देश में चल रहे हैं इसको लेकर, क्या कोई उम्मीद है RRB हमें? हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा लिंक हमें नहीं मिलेगा, तब तक हमें बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक हम कर नहीं जाएंगे। हम अपना घर से बंदोबस्त करके आए कि मॉडिफिकेशन लिंक लेकर ही वापस आऊंगे। क्या पीयूष गोयल का कोई बयान आया इस मामले में या कोई टूट गया है? नहीं, पीयूष गोयल सर का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है और जब हमारे संसद चली हुई थी तभी राजस्थान के एक सांसद थे, उन्होंने भी संसद में ये कदम उठाया था लेकिन वो भी मान्य नहीं किया गया, संसद की भी नहीं सुनी गई। अब हम आंदोलन करेंगे और मोटिवेशन लिंक लेकर आएंगे। तो आपकी डिमांड यही है कि हमें परीक्षा में बैठने दिया, बस हमें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, हम बस छोटा है यही हमारी रिक्वेस्ट है पीयूष गोयल सर को। हम अपनी पीयूष गोयल सर तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारी मांग कर्मचारियों तक ही सीमित रह जाती है। हम अपील करते हैं सर पीयूष गोयल सर को कि हमें परीक्षा में बैठने का मौका दे, बहुत गरीब बच्चे हैं, बहुत छोटे परिवार से घर से निकल के आए हुए हैं, हम बस परीक्षा में बैठने का मौका चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। यहाँ पे मैं मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट करवाने आया हूँ। जैसे कि 2018 में ग्रुप डी का जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो उसमें उस समय इलेक्शन का टाइम था, तो उस समय बिना स्टूडेंट स्ट्राइक किए हुए, बिना प्रोटेस्ट किए हुए उन्होंने अपने मन से मॉडिफिकेशन लिंक दे दिया था। क्या ये इलेक्शन का एजेंडा था लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए? सर उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने इलेक्शन की वजह से ताकि वोट मिले, इस वजह से उन्होंने मॉडिफिकेशन लिंक बिना कहे हुए दे दिया। इन वैकेंसी की बहुत चर्चा हुई कि लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन अब बात सामने आ रही है 4 से 5 लाख फॉर्म रिजेक्ट कर दिए सर। सर वो
जितने भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनके फोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन वही फोटो और वही सिग्नेचर आरआरबी के जब दूसरे पोस्ट पे अप्लाई किया गया था तो उनका लोग उनका एडमिट कार्ड भी आया था और एग्ज़ाम भी दिया गया था, लेकिन आरआरसी जो ग्रुप डी का 1 लाख की जो वैकेंसी आई थी इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर वही फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट कर दिया है। तो हमें सरकार से ये कहना है, पीयूष गोयल सर से यही कहना है कि सर अगर हमारी तरफ से गलती हुई है तो हमें सुधारने का एक मॉडिफिकेशन लिंक दे। जैसे तो आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है इसमें, क्योंकि आपने क्या पहली बार फॉर्म भरे हैं? नहीं नहीं, मैंने तो फॉर्म बहुत जब से हमारा एज हुआ है तब से हम फॉर्म भरते हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है और रेलवे में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन सेम सिग्नेचर ही हम जब दूसरे आरआरबी जेई में अप्लाई किया था और पिछले बार जो आरआरबी ग्रुप डी में आया था तो वो एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन इसमें नहीं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो अगर उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है या फॉर्म फिल करते समय बता दिया जाता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, गलत मिस्टेक तो तभी ऑनलाइन होता है? हाँ ऑनलाइन होता है, जब फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय जो रेजुलेशन और डाटा दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे फ़ोटो हो गया सिग्नेचर हो गया, तो उस समय जब फॉर्म में फाइनली सबमिट करते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि योर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये आप परीक्षा कब होनी है जो लोग? ये परीक्षा होने ही वाली है अभी। एडमिट कार्ड आया क्या इसका? नहीं अभी नहीं, अभी 1-2 महीने बाद परीक्षा होने वाली है। तो आपको कैसे पता चला कि रिजेक्शन? कोई मैसेज? हाँ मैसेज आया ना, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था कि आपका फॉर्म, SMS के थ्रू मैसेज आया कि मेरे माय फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड सिग्नेचर। तो इस जॉब को लेकर आपको बड़ी उम्मीदें थी? बहुत उम्मीदें थी और ये मेरी लास्ट है, इसके बाद मैं गवर्नमेंट का अप्लाई नहीं कर सकता। एज ओवर हो रही है और मेरा मानना है कि मेरी, अब मैं सर से यही बोलूँगा गोयल सर से कि अगर हमारी तरफ से गलती हुई है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर गलती हुई है तो आप हमें जिस तरह से 2018 में सुधारने का मौका दिए थे उसी तरह से इस बार भी मौका दें, अदरवाइज हम लोग अनशन पे बैठे। मोदी जी से क्या कहना सर? मोदी जी से क्या कहें, उनसे तो बहुत उम्मीदें थी उनके, हमारे बिहार में टोटल 40 सीटों में से 39 सीटों का पूरा बीजेपी का ही वोट दिया गया था, हम लोग भी बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देने के मिल रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले, लेकिन उन्होंने अभी मतलब कि फॉर्म निकला कहाँ, अभी एप्लीकेशन फिलअप हुआ कहाँ, अभी तो ये 1 लाख में ही लोगों का फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आगे तो क्या लग रहा है, आपको उम्मीद है कि ये जो एग्ज़ाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा? जैसे आपका रिजेक्शन कर दिया कोई और बहाने मिल सकते हैं? सर उम्मीद रखता हूँ कि हमारी मांगे सर सुने। नहीं जो बचे हुए हैं जैसे 4-5 लाख फॉर्म तो रिजेक्ट हो गए, क्या आपको उम्मीद है कि ये परीक्षा होगी? या जैसे आपको बता दिया गया कि रिजेक्शन हो गया फॉर्म, क्या उनको भी कुछ टालते रहे? ये तो इलेक्शन का एक लॉलीपॉप था ना, भर्तियाँ बहुत नहीं सर शराबा मचा था, हम लोग देश की बेरोजगारी दूर होगी। नहीं हमारी जो समस्या है वो हमारी समस्या का समाधान करें और उसके बाद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे, हम लोग रेल मंत्रालय में जाएंगे और जब तक हमारा मॉडिफिकेशन लिंक नहीं मिलेगा पिछले साल की तरह उसके अनशन हम छोड़ेंगे नहीं। किसी हालत में हमें मॉडिफिकेशन लिंक चाहिए, रेल मंत्री वो दिलवाए, बस यही मांग, यही मांग लेकर आए आप। हाँ जी, क्या लग रहा है आपसे, आपने इससे पहले भी फॉर्म भरे होंगे, क्या ऐसी मिस्टेकें अक्सर होती रहती हैं या पहली बार हुई है? सर ये मिस्टेक लास्ट ईयर जो आरआरबी ग्रुप डी ने वैकेंसी अनाउंस किया था उसमें भी मिस्टेक हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड किया था। एक्चुअली मैं कर्नाटक से आया हूँ तो वहाँ पे भी मेरा लास्ट टाइम रिजेक्ट हो गया था, लेकिन लास्ट टाइम मुझे मॉडिफिकेशन मिली थी वहाँ पे। तो क्या जब फॉर्म हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो उसमें वो जो सिग्नेचर या फोटो होता है तो वो तभी बता देता कि आपका फॉर्म? सर मैं बताता हूँ, सबमिट नहीं हो पाएगा। नोटिफिकेशन में एक रूल्स होता है सर, जो इतना साइज, अच्छा जो उसकी गाइडलाइंस होती है, जितना उन्होंने पूछा है उतना ही हमने साइज बना के ये करे सर सबमिट करे, अभी एक्सेप्ट करेगा। साइज
जितना उन्होंने मंगा है उतना ही साइज करके हम सबमिट करें तो ये एक्सेप्ट होगा ना सर फॉर्म? नहीं तो फोटो में क्या वजह बता रहे, फोटो बड़ा है या बिरल है, क्या चीज है? मेरा तो सिग्नेचर प्रॉब्लम है, इनप्रॉपर साइज बोल रहे सर। अच्छा इनप्रॉपर साइज, तो उसने फिर सबमिट ले कैसे लिया कंप्यूटर? पता नहीं सर, जब ऑनलाइन सबमिट करने के टाइम में तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अभी तो ऐसा ये प्रॉब्लम पता है। कितने लोग हैं जिनके रिजेक्टेड हुआ अभी? जैसे 5 लाख लोग? 5 लाख है सर, 11,000 5 लाख है सर। परसों ये क्वारी छुटी थी, स्टेटस छूटने के बाद एक 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट का एक्सेप्ट हो चुका है, बाकी पूरे 4.5 या 5 लाख के करीब करीब बच्चे पूरे रिजेक्टेड कैंडिडेट है सर। देखिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा है चीज़ को। 4 से 5 लाख फॉर्म रिजेक्ट होना एक बड़ी बात है। ये वही वैकेंसियाँ हैं 2019 के चुनाव से पहले जिनका एक बड़ा लॉलीपॉप दिया गया था देश को और कहा गया कि बेरोजगारी अब दूर होगी, लेकिन उसमें से 4 से 5 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर आज कितने यूथ आए हुए हैं और सब यही मांग कर रहे हैं कि उसको द्वारा से जो रिजेक्ट हुए हैं उसके द्वारा से नोटिफिकेशन को दी जाए हमको और हमसे बताया जाए। तो आपको भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ? बिल्कुल रिजेक्ट हो गया जी। कहाँ से आए आप? मैं बाड़मेर से। बाड़मेर से? हाँ जी। तो ये जो रिजेक्ट हुए हैं इसका मैन सबसे पहले क्या मैसेज आया, कोई क्या बताया? फोटो इनवैलिड का आया मैसेज आया, फोटो इनवैलिड का मैसेज आया। अब उन्होंने क्यूरी मांगी है, इसका एडमिट कार्ड वगैरह आया, कोई एग्जाम की डेट? बिल्कुल कुछ नहीं आया अभी तो। अभी नहीं आया एग्जाम की? बिल्कुल कुछ नहीं आया, मैसेज आया हमारे पास फोटो इनवैलिड का मोबाइल का मैसेज। तो क्या पीयूष गोयल जी रेल मंत्री, उन्होंने कुछ कहा इस पर, कोई अपना ट्वीट किया या कोई मैसेज या कोई संदेश? कुछ नहीं कहा, इसलिए तो आए, इसीलिए तो आए, कुछ नहीं कहा सर ने।